एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब, जरूर बताना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ 2 सेकंड लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल में पुराने हैं तो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आज का जो मेरा व्लॉग है वो होने वाला है करवा चौथ आउटफिट्स पे। तो मैं इस व्लॉग में ये करूँगी कि 2-3 आउटफिट्स ट्राई करूँगी और उसके साथ अपने जो ज्वेलरीज वगैरह जो भी है वो सब मैच करूँगी। मेकअप मैंने यही रखा है नॉर्मल सभी के लिए। एंड उसके बाद आप मुझे बताना कि कौन सा लुक परफेक्ट लग रहा है। ऑल दो जो मैं सूट मेन पहनने वाली हूँ करवा चौथ पे वो अभी तक मेरा सिल के आया नहीं है, वो होपफुली आपको जो है करवा चौथ वाले व्लॉग में दिख जाएगा। बट अभी मैं कुछ अपने सूट्स पड़े हैं उसको ट्राई करके आपको थोड़े से आइडिया दे दूंगी कि आप कैसे स्टाइल कर सकते हो। अगर आप बात करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं एक सटल से सूट के साथ। शुरुआत करते हैं इस प्यारे से सूट के साथ जो ना बहुत ज़्यादा ब्राइट है ना बहुत ज़्यादा डल है। एक प्यारा सा सटल सा कलर है, इसमें अच्छा सा वर्क हो रखा है। बट जब आप पहनते हो तो बहुत ज़्यादा चमक नहीं लगता है, चटाक सा नहीं लगता है ये। एंड इसके साथ है प्लाजो एंड विद बनारसी दुपट्टा, बहुत ही सुंदर। जिन लोगों को जो है ब्राइट कलर पसंद नहीं है बट फिर भी फेस्टिवल है तो थोड़ा सा फेस्टिव कलर होना ज़रूरी है। बिल्कुल पेस्टल तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगी ऐसे अच्छे फंक्शंस में। तो ये इसके साथ बैंगल सेट है जो मैंने लास्ट ईयर लिया था आई गेस, क्योंकि इसको मैं कई बार पहन भी चुकी हूँ। साथ में ये प्यारे से झुमके हैं जो बिल्कुल लाइट वेट है, काफ़ी अच्छे हैं ये और देखने में भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए फिर करते हैं इस सूट को ट्राई, कैसा लग रहा है। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास ये ब्यूटीफुल सा सूट जो पिंक कलर का है एंड इसमें बहुत अच्छा सा गोल्डन थ्रेड का वर्क है, बहुत ही हैवी सूट एंड साथ में बहुत सारी चूड़ियाँ और इयररिंग्स में भी मैंने काफ़ी कुछ रख दिया है। नेक पीस मैं इसके साथ देखती हूँ, अगर मुझे कुछ मिला तो मैं उसके साथ कैरी कर लूँगी। एंड ये काफ़ी हैवी है एंड जिसको ना बहुत ज़्यादा हैवी कलर्स और चटाक से कलर पसंद है फेस्टिव सीजन में तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब इसको भी ट्राई करके देखते हैं। तो ये है नेक्स्ट सूट, देखिए। एंड इसका दुपट्टा तो कैमरा खोलने में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एंड बैंगल्स अभी इसको मुझे सिस्टमेटिक ढंग से करने का भी टाइम नहीं है क्योंकि मुझे अभी ऑफिस जाना है, बहुत ज्यादा काम है। हालांकि आज संडे है बट अब लवी मेला भी नज़दीक आ गया है तो मैंने सोचा क्योंकि आज थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ और शूट कर लेती हूँ, फिर आगे मुझे टाइम नहीं मिलेगा, करवा चौथ भी आ रहा है। ये हो गया बैंगल्स, मैं सोच रही बाल खुले तो अच्छे लगेंगे, जूड़ा बनाती हूँ। मैसी सब बंद लग रहा है एंड साथ में आर्टिफिशियल गजरा, ज़्यादा मैसी हो गया। ये देखिए बेटर है ना। होपफुली ये वीडियो खत्म होती तक तो ना ही छूटे, फटाफट से इयर रिंग्स वगैरह पहन लेती हूँ एंड
अब बारी आती है ज्वेलरीज की। ज्वेलरीज भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा जितना भी हो कर सकते हो। देखिए अब इसके ना हुक्स भी नहीं है काम में, हुक्स ढूंढते हो। एंड ये है मेरा फाइनल लुक। मांग टीका भी मैंने लगा लिया क्योंकि थोड़ा तो कोई क्लोजअप। अगर आप रेड, पिंक, ऑरेंज सारे कलर पहन के थक चुके हैं तो आप ये ब्लू कलर भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हल्का सा रेडिश सा वर्क है एंड गोल्डन वर्क है। इसको जस्ट आप जो है एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हो, जिससे कि आपका ये कुछ अच्छा सा लुक दे करवा चौथ टाइप का। तो मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ, पहनने वाली हूँ गोल्ड ज्वेलरी सारी की सारी जो हमारी ट्रेडिशनल है। इयररिंग्स मेरी ट्रेडिशनल अभी यहाँ है नहीं, मैं ये दूसरे वाले इयररिंग्स पहन रही हूँ। आप चाहे तो अपने एरिया की ट्रेडिशनल ज्वेलरीज भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए फिर हम इसको भी ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि देखने में तो मतलब ठीक ही लग रहा है, अब पहन के थोड़ा सा अलग लगता है। सो लेट्स ट्राई। Lion's gone and come, the birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah. लास्ट बट नॉट लीस्ट ये ऑप्शन है उनके लिए जिनको भी पेस्टल और लाइट कलर पसंद है, और दूसरी बात कि वो कॉटन के अलावा कुछ और नहीं पहन सकते हैं। तो ये कॉटन का कुर्ता है, कुर्ता के सूट है मेरे पास। इसमें थोड़ा सा ये चिकनकारी वर्क है, और साथ में मैंने इसमें पीछे से प्यारा सा लटकन भी लगाया है, जो मतलब मैं फ्रॉन्ट कर नहीं पाई। जब भी मैंने इसको पहना है तब ठंड होती है तो मुझे कोटी पहनना पड़ता है। तो एनी हाउ, और साथ में मैं ले ली हूँ ये दुपट्टा पिंक कलर का, एंड बनारसी दुपट्टा है ये। आप कोई भी कलर का दुपट्टा ले सकते हो। साथ में मैं लेने वाली हूँ पिंक, बेबी पिंक कलर की चूड़ियाँ। और मैं सोच रही थी कि अगर मेरे पास ऐसे बेबी पिंक कलर का या फिर ऐसे पिंक शेड में कोई इयररिंग्स होता तो अच्छा था, बट है नहीं मेरे पास, तो मैं ये गोल्ड के इयररिंग्स पहन रही हूँ। सो लेट्स सी कैसा लगता है ये लुक भी, क्योंकि अब भी लुक ट्राई तो करना ही पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है मेरा सिंपल एंड एलिगेंट करवा चौथ लुक। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो दुपट्टा है ना वो कुछ ऐसे डार्क शेड में, मतलब पिंक, रेड या फिर कुछ और ऐसे जो शगुन वाला कलर हो। बिल्कुल पेस्टल तो ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये जो रंग है ना लाल गुलाबी, ये शुभ रंग माने जाते हैं हमारे इंडियन कल्चर में। बहुत अच्छे से दिखते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा यूजफुल लगेगा, एंड आपने मुझे बताना कि इन सब में से आप कौन सा अपने लिए चूज करोगे।
एंड मिलती हूँ मैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ. बाय बाय, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर. बाय बाय.